नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से री एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। संविधान एवं राज व्यवस्था के पूर्व के कक्षाओं को जोड़ते हुए आज का एक नया टॉपिक यहाँ पर निर्धारित किया गया है, स्वतंत्रता के पूर्व की कहानी। हालांकि इसका काफ़ी कुछ भाग स्वतंत्रता आंदोलन के चैप्टर में देखने को मिल सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का विस्तृत रूप में अध्ययन किया जाता है, लेकिन संविधान एवं राज व्यवस्था के अंतर्गत संविधान निर्माण के लिए उसके पूर्व की संध्या पर जो भी व्यवस्थाएँ थी उसका अध्ययन करना आवश्यक है, जिससे कि हम संविधान एवं राज व्यवस्था में संविधान को बनाने, उसके निर्माण के साथ साथ उसकी विशेषताओं का अध्ययन करने की प्रक्रिया प्रणाली को हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ऐसा करने के लिए उसके पूर्व की संध्या पर जो व्यवस्थाएं थी, जो घोषणाएं थी, जो जद्दोजहद था, उसको समझना आवश्यक है। तो हम आइए देखते हैं आज का टॉपिक, जिसके माध्यम से संविधान के निर्माण और उसकी विशेषताओं को समझने में मदद मिलेगी। तो आज का टॉपिक, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या की एक कहानी है। इस वीडियो और लेक्चर के टैगलाइन में जो चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं, उसे भी आपको अभी अंत में उस चीज़ को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों की क्यूरियोसिटी उस चीज़ को जानने की होगी। तो पूर्व में जो भी बिंदुवार इसमें विषय निर्धारित है, उसका अध्ययन करते हुए हम उस प्रश्न का भी जो है जवाब देते हैं। तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, क्लीमेंट एटली घोषणा, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, और वो स्वतंत्रता आंदोलन के समक्ष अपना जो विचार बनाया कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, यहाँ पे सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में क्लीमेंट एटली घोषणा जो है वो 20 फरवरी 1947 ईस्वी को क्लीमेंट एटली घोषणा की गई, और इस घोषणा का जो विषय वस्तु था वो ये था कि जून 1948 से पूर्व भारत में सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाए, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो इस जो घोषणा था, इस घोषणा की बातों को क्रियान्वित करने के लिए, जमीनी स्तर पर उतारने के लिए और मूर्त रूप देने के लिए क्लीमेंट एटली के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर के भेजा गया। भारत का वायसराय बनकर आने के बाद क्लीमेंट एटली उन संभावनाओं की तलाश करने लगे जिसके आधार पर देश में सत्ता का हस्तांतरण किया जाए और भारत को स्वतंत्र किया जाए। चूंकि मुस्लिम लीग भी उस वक्त जो है स्वतंत्रता आंदोलन के समय गतिमान थी, प्रगतिशील थी और अपने हितों के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए लड़ रही थी, किंतु इस क्लीमेंट एटली घोषणा पत्र में पृथक राष्ट्र के लिए किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की गई थी और लीग के द्वारा लगातार राष्ट्र की मांग की जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग के द्वारा क्लीमेंट एटली घोषणा को स्वीकार नहीं किया गया। तो चूंकि घोषणा को स्वीकार नहीं किया गया तो उसके आधार पर सत्ता का हस्तांतरण कठिन हो गया। तो ऐसी स्थिति में लॉर्ड माउंटबेटन उस समय देश में जो राष्ट्रीय स्तर के नेता से उनसे वार्तालाप करना प्रारंभ किए और उन बिंदुओं को, उन संभावनाओं को तलाश करने लगे जिसके आधार पर भारत को स्वतंत्र किया जा सकता था, सत्ता का हस्तांतरण किया जा सकता था। लेकिन मुस्लिम लीग अपनी बात पर अड़ी रही। ऐसी स्थिति में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि विभाजन ही सत्ता हस्तांतरण और स्वतंत्र करने का एकमात्र आधार है। जब तक विभाजन नहीं किया जा सकता तब तक सत्ता का हस्तांतरण नहीं होगा। अगर सत्ता का हस्तांतरण किया जाता है तो उस समय देश में दंगे भी होंगे और उस उद्देश्य को पूरा किया जाना संभव नहीं होगा जिसके लिए हम सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी परिस्थितियों का अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जिसमें भारत का विभाजन की रूपरेखा निर्धारित की गई थी। तो ये योजना 3 जून 1947 ईस्वी को प्रस्तुत की गई थी। 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई ये योजना ही माउंटबेटन योजना कहलाती है। तीन जून 1947 को प्रस्तुत की गई यह योजना ही माउंटबेटन योजना कहलाती है, जिसमें भारत के विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। मुस्लिम लीग पूर्व से, जैसा कि आपको बताया गया कि वो अलग राष्ट्र के लिए संघर्षरत थे, तो ऐसी स्थिति में उसने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। क्योंकि भारत के शीर्ष नेताओं में इस बात को लेकर के मतभेद था, गांधी जी ने तो कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह डाला कि भारत का विभाजन मेरे सौ पर होगा।
तो ऐसी स्थिति का तात्पर्य, इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने कभी भी विभाजन को स्वीकार नहीं किया। लेकिन ऐसे धड़े, ऐसे वर्ग और सेक्शन जो कांग्रेस में यथार्थवादी राजनीति के समर्थक थे, जो जमीनी स्तर पर रह करके काम कर रहे थे, उन सभी लोगों ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, क्योंकि उस परिस्थिति में, तत्कालीन परिस्थितियों में इससे बेहतर और कोई योजना शायद नहीं हो सकती थी। तो इस आधार पर कांग्रेस के द्वारा इस योजना को स्वीकार कर लिया गया और यह योजना ही भारत में विभाजन का आधार बनी। तो 3 जून 1947 ईस्वी की जो योजना थी उसको माउंटबेटन योजना कहा जाता है। बाद में 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद के द्वारा इसे पारित कर दिया गया और यह 18 जुलाई 1947 ईस्वी से स्वतंत्रता अधिनियम बन गया। स्वतंत्रता अधिनियम का तात्पर्य उन सभी बिंदुओं, उन सभी व्यवस्थाओं की चर्चा की गई जिसके आधार पर सत्ता हस्तांतरण के बाद यहाँ की स्थिति थी, उन प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया जिसके आधार पर सत्ता का हस्तांतरण किया जाना था, जिसके आधार पर यहाँ की व्यवस्था को यहाँ के लोगों के द्वारा संचालित किया जाना था। तो उन बिंदुओं को यहाँ पे देख लेना आवश्यक है कि 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम में ये व्यवस्थाएं की गई कि 15 अगस्त 1947 इसमें ये बात स्वीकार की गई कि 15 अगस्त 1947 यह तिथि निर्धारित की गई कि इस तिथि से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट के रूप में अपना अस्तित्व प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर जब स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त करेंगे तो वहाँ पर ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून यहाँ पर लागू नहीं होगी। अर्थात यहाँ की शासन व्यवस्था, उसमें ये प्रावधान किया गया कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा संचालित किया जाएगा। पूर्व में आपको बताया भी जा चुका है लेक्चर में कि भारत शासन अधिनियम एक ऐसा अधिनियम था जिसमें व्यापक प्रावधान किए गए थे, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियों के माध्यम से देश के शासन संचालन का प्रावधान किया गया था। तो यहां पर भी वही व्यवस्था की गई कि स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र स्टेट होंगे, ब्रिटिश कानून यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे और यहाँ की शासन संचालन भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे ये व्यवस्था किया गया कि भारत सचिव का पद, जो राज्य सचिव का पद था, उसे और वायसराय दोनों के पद को समाप्त कर दिया गया और यहाँ पे गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। गवर्नर जनरल भारतीय डोमिनियन स्टेट की अगर बात किया जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ का गवर्नर बनाया गया। तो ऐसी स्थिति में कई बार ये सवाल भी उत्पन्न होता है कि भारत का प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और यह भी कहा जाता है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे, क्योंकि स्वतंत्रता के समय सत्ता हस्तांतरण के लिए क्लीमेंट इटली के द्वारा अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था, क्योंकि उनके द्वारा जो भी यहाँ पे भूमिका अदा की गई सत्ता हस्तांतरण के संदर्भ में, तो भारतीय क्षेत्र के लिए, भारतीय डोमिनियन स्टेट के लिए इनको यहाँ पे गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और वही अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। तो इस तरीके से यहाँ से कभी कभी सवाल प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको स्पष्ट कर देना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये देखा जाए कि 15 अगस्त 1947 के बाद उन सभी प्रक्रियाओं के बारे में उल्लेख कर दिया गया जिसके माध्यम से स्वतंत्रता के बाद यहाँ दोनों डोमिनियन स्टेट किस तरीके से अपने शासन का संचालन करेंगे। यहाँ के डोमिनियन स्टेट को संविधान निर्माण के लिए भी शक्तियाँ प्रदान की गई कि वे पूरी दुनिया में किसी भी देश का या कुछ अन्य देशों के अध्ययन का तुलनात्मक करेंगे, संविधान का अध्ययन, उसके बाद वहाँ की व्यवस्था को अपने यहाँ अपना सकते हैं, लागू कर सकते हैं, उसमें ब्रिटिश शासन व्यवस्था का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अर्थात यहाँ के डोमिनियन स्टेट को स्वतंत्र कर दिया गया। यहाँ पे आप बिंदु में लास्ट में एक शब्द डोमिनियन स्टेट देख रहे हैं और चूंकि बार बार इस टॉपिक
और लेक्चर को पढ़ाने के दौरान डोमिनियन शब्द आ रहा है, इसलिए डोमिनियन शब्द का उल्लेख कर देना आवश्यक है और टैगलाइन के अनुसार आपको जानने की जो जिज्ञासा है उसका भी उत्तर कहीं ना कहीं इस बिंदु में छिपा हुआ नजर आ रहा है। डोमिनियन स्टेट भारत 15 अगस्त 1947 को इस अधिनियम के माध्यम से स्वतंत्र हो गया और वो डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त कर लिया, लेकिन भारत केवल वैधानिक रूप से स्वतंत्र हुआ था, यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं रही थी जो भारतीय लोगों को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की उच्चावच को, व्यापक स्तर पर हो रहे दंगे फसाद को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया गया हो जिसके आधार पर यहाँ की शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न उठता था कि यहाँ की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर के ऐसे कानून का होना आवश्यक था जिसके द्वारा यहाँ की शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सके। तो एक ऐसी स्थिति जबकि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल चुकी थी किंतु यहाँ पर यहाँ के कानून लागू नहीं थे, तो उस स्थिति को डोमिनियन स्टेट कहा जाता है। और यही एक ऐसी स्थिति थी जब भारत ना तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र था और भारत ना तो पूर्ण रूप से परतंत्र यानी कि गुलाम था। स्वतंत्र पूर्ण रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ के द्वारा बनाए गए कानून से यहाँ का शासन व्यवस्था संचालित नहीं हो रहा था और गुलाम भी नहीं था क्योंकि 15 अगस्त 1947 के अनुसार ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश शासन व्यवस्था के द्वारा बनाए गए कानून इस पर लागू नहीं होते हैं। अर्थात 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 इसके बीच का कार्यकाल डोमिनियन स्टेट के रूप में जाना जाता है जहां की व्यवस्था पूरी तरीके से अस्थायी, संक्रमणकालीन और परिवर्तनकारी थी और इस पीरियड को ही इस रूप में व्याख्यात किया जाता है और देखा जाता है। तो आज का ये क्लास पूरी तरीके से स्वतंत्रता के पूर्व एक कहानी नामक चैप्टर पर आधारित था जो हमें संविधान के निर्माण और उसकी विशेषताओं का अध्ययन करने में, उसको समझने में, एक बेहतर समझ विकसित करने के साथ साथ उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने में मदद करेगा। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आप इसका अध्ययन कीजिए, इसके साथ साथ अपनी तैयारी को अन्य सभी विषयों के आधार पर पूर्ण रूप देने का प्रयास कीजिए। पुनः एक नए क्लास में एक नए टॉपिक